आईपीएल के 56वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल के बीच टक्कर। दोनों टीमों के बीच ये मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली ने अपने 11 मैचों में 5 जीते जबकि 6 में हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान ने 10 में से 8 मैच जीते। टीम इंडिया और सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पर हरभजन सिंह का बड़ा हमला। आईपीएल से रिटायरमेंट की दी नसीहत। धोनी ने पंजाब के खिलाफ 9वें नंबर पर की थी बल्लेबाजी। भज्जी ने बताया कि धोनी अगर 9 नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो उन्हें नहीं खेलना चाहिए। न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज और एसआरएच के गेंदबाजी कोच जेम्स फ्रैंकलिन ने टी नटराजन पर बड़ी बात कही। फ्रैंकलिन का कहना है कि टी नटराजन बहुत जल्द टीम इंडिया से खेलते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली को चेतावनी दी। बाबर के आगे बताया कि विराट को रोकने के लिए हमारे पास खास रणनीति है जिसे हम मैच के दिन इस्तेमाल करेंगे। आईसीसी ने अप्रैल महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए 3 खिलाड़ियों को चुना। लिस्ट में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, निबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस और यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम शामिल। वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की रेस में श्रीलंका के कप्तान चमारी अचापट्टू को शामिल किया गया। चमारी के अलावा वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज को और साउथ अफ्रीका की लारा वालवर्ट्स जगह बनाने में कामयाब रहे। T20 वर्ल्ड कप पर आतंकी हमले का खतरा, पाकिस्तान से मिली धमकी, आईसीसी की बड़ी टेंशन। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को नॉर्थ पाकिस्तान के आतंकी हमले का अलर्ट मिला। वेस्टइंडीज में होने वाले मैचों के दौरान ISI आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड ने अपनी टीम के स्क्वाड का ऐलान किया। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज माइकल जॉनस और फास्ट बॉलर ब्रेट फील्ड की टीम ने लंबे समय बाद वापसी की। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर टीम के साथ उड़ान नहीं भर पाएंगे। वीजा मिलने में देरी की वजह से ये दिक्कत आई। पाकिस्तान करेगा आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़ी घोषणा की। मोहसिन नकवी ने ऐलान किया, अगर पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप जीत जाती तो टीम के हर खिलाड़ी को $1,00,000 का इनाम मिलेगा।